good morning dear students i welcome you all in computer class in this class we will study about machine learning and its types and the deep learning okay so this is your uh, topics of your chapter number 5 and uh, please focus on these types of topics because this one is the very important types of topics and you have to be carried out the basic things from that topics for learning the artificial intelligence okay

एंड डिलीवर प्रोडिक्टिव मॉडल्स मतलब वो आपके डेटा से सीखेगा एंड वो प्रोडिक्शन से वो आपको बताएगा कि हाँ ये चीज अक्कर करती है या नहीं करती ओके सो दैट हाउ योर मशीन लर्निंग इज वर्किंग जस्ट लाइक कि जैसे आपने किसी मशीन को अगर दो चार पिक्चर्स दिखाई है डॉग की तो वो आइडेंटिफाई करने वाला है कि हाँ अगर आपने उसको सिखाया कि ये डॉग है तो अगर आपने डॉग की पिक्चर्स दिखाई हैं जैसे आपने सपोज कीजिए आपने ये बुक की पिक्चर दिखा दी ऐसे करके तो उसको आपने बोला कि ये बुक्स है ओके तो जितनी भी टाइप की वो नेक्स्ट पिक्चर्स देखेगा बुक्स की तो वो ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये बुक्स है ओके इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग वेन यू मशीन को आप जब भी कुछ सिखा रहे हो ना जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो कि, कि किसी को सिखाना जैसे आप किसी रोबोट को सिखा रहे हो किसी सॉफ्टवेयर को सिखा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग नेक्स्ट ये पॉइंट द मशीन लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग बट द डेटा फेड इन टू एट इट इज ए कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस ये कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस होता है इसमें जो सारा डेटा होता है ना वो एक यूजर ही फीड करता है एक यूजर जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो है उसमें फीड करता है जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ, आप डॉग्स की फोटो दिखा रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स की आपने फोटो क्लिक किए और आपने उसको दिखाई और, और आपने उसको बोला है कि हाँ दिस वन इज अ डॉग वेन एवर ही सी इन द फ्यूचर दैट काइंड ऑफ पिक्चर ही आइडेंटिफाई क्विकलीज अ डॉक बिकॉज मशीन लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन योअर डेटा ओके सो दैट इज द बेसिक थिंग ओके यहाँ पे एक्सप्लीसिट प्रोग्रामिंग पे कोई डिपेंडेंट नहीं है एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग मीन्स की आपने उसको बाय बाय हर टाइम आपने उसको सिखाना है एक ही बार आपने डेटा फीड कर दिया कि हाँ ये डॉग है तो वो फ्यूचर में जब भी उसको वो पिक्चर शो होगी तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द द डेटा यू फीड मशीन लर्निंग एलगोरिदम एंड ट्रेनिंग गिवन टू इट ऑन आउटपुट इज डिलीवर्ड जो मैंने अभी आपको समझाया दैट इज ऑलमोस्ट सेम पॉइंट इज राइट ऑन देयर ओके जो भी आपने डेटा को फीड किया है मशीन के अंदर उसी के आपने जो ट्रेनिंग दी है उसी के डेटा के रिलेटेड उसी पे आपकी मशीन जो है वो वर्क करती है एंड प्रोडिक्टिव एलगोरिदम क्रिएट द प्रेडिक्टिव मॉडल मतलब क्या है इसका प्रिडिक्शन करना सिखाया है कि dog, cat, वही डेटा जो आपने उसको दिखाया है उसी के बेस पे वो फ्यूचर डिसीजन मेक करेगा दैट्स हाउ योर मशीन लर्निंग इज वर्क ओके नेक्स्ट वन मशीन लर्निंग का नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक मशीन लर्निंग को कैसे फेड करते हो क्या उसका जो आप अगर डायग्राम के थ्रू आप डिस्क्राइब करना चाहो तो वो कैसे होगा तो यहां पे आप देख पा रहे हो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है वो कैसे काम करती थी आपने डेटा को फीड किया आपने प्रोग्राम लिखा जैसे आप सी प्लस प्लस में करते हो ना प्रोग्राम सबसे पहले यू हैव टू राइट द प्रोग्राम देन उसके बाद आप कमांड्स लिखते हो सारा प्रोग्राम बनाते हो उसके बाद आपकी आउटपुट आती है ये है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बट इन द केस ऑफ योर मशीन लर्निंग आप वहां पे उसको डेटा देते हो डेटा मतलब कि उसको आप बता रहे हो कि ये कैट है ये डॉग है ये हाउस है और आउटपुट भी दिखा रहे हो आउटपुट मतलब वो फोटो दिखा रहे हो उसको कि हाँ ये फोटो को आइडेंटिफाई करो एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट पिक्चर इन द फ्यूचर अगर आपको कभी भी वो पिक्चर दिखाई दे तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट की कैट और डॉग ओके तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बन के आता है ओके okay? यहाँ पे वो अपने आप अपने आप जो मशीन ना लेंगे वो अपने आप प्रोग्राम क्रिएट करेगा आपने जस्ट उसको इनपुट देनी है कि ये वाला ये चीज का नेम है उसकी आउटपुट दिखानी है कि वो कैसा दिखता है एंड मशीन लर्निंग जो है वो खुद से अपने अंदर प्रोग्राम क्रिएट कर लेगा कि जब भी मैं इस नेक्स्ट ये वाली चीज को देखूंगा तो मैंने ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम को रन करना है एंड क्विकली आइडेंटिफाई दोर्स ओके वो आपने क्विकली आइडेंटिफाई कर लेना है सो दैट हाउ यर्निंग इज वर्किंग ओके यहाँ पे आप, भी आप देख पा रहे हो डायग्राम में इनपुट डेटा फीड इन टू दस यहाँ पे आपका इनपुट और आउटपुट जो है वो रिलेशन होता है मशीन लर्निंग में ओके आई होप यू गॉट माई पॉइंट अबाउट द मशीन लर्निंग एंड यहां पे डेफिनेशन लिखी है मशीन लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ जर्नल ए आई जो जर्नल ए आई हमने पढ़ा था ना पहले उसी का रिजल्ट है जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व डिलीवर रिजल्ट बेटर देन ह्यूम से बेटर रिजल्ट वो आइडेंटिफाई कर पाए ओके सो अगर मैंने किसी चीज को अगर फेडअप किया है किसी डेटा को फीडअप किया तो मैं एक मशीन को ट्रेन कर रहा हूँ उसको लर्निंग दे रहा हूँ

प्रिपेयरिंग दैट डेटा उसने अपने आप को अंदर प्रिपेयर किया ये फेस रिकोग्निशन उसकी की उसके बाद उसको देखा नोज कैसी दिखती है उसकी आईज कैसी है वो फोटो में ओके okay? उसके बाद चूजिंग मॉडल यहाँ पे बेटा मॉडल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल होते हैं जिसको हम एल्गोरिदम फॉर्म बोलते हैं वो मॉडल आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ अगर मुझे ये डेटा मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आई हैव टू टेक द पर्टिकुलर स्टेप टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम उसके उसके पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं itself, okay? वो अपने आप करेगा कि कौन सा एलगोरिदम मुझे लगाना है डेटा फीड कर दिया आपने उसको सिखा रहे हो डॉग दैट वन इज कैट दैट वन इज हाउस ये कार जा रही है ये स्कूटर है आपने उसको सिखा दिया आपने उसको ट्रेन कर दिया ट्रेन मतलब आपने बस उसको एक ही बार ट्रेन कर दिया अगर आप किसी ह्यूमंस को सिखा रहे हो ना तो आपको हो सकता है आपको बार बार उसको बताना पड़े कि हाँ dog, is, uh, one, okay? आपने के सम सॉल्व करने तो आप उसको बार बार समझाओगे कि हाँ ये वाला फॉर्मूला लगाओगे देन दिस वन वन पर्टिकुलर वैल्यू यू यू हैव टू टेक दैट एंड द आउटपुट बट इन द केस ऑफ मशीन लर्निंग यू हैव जस्ट वन टाइम ट्रेन मतलब क्या इसका कि आपने एक ही बार में उसको ट्रेन कर देना है एंड देन यू विल बी एबल टू गैदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मशीन्स ओके उसके बाद मशीन क्या करेगी इवेल्युएशन करेगी कि हाँ मुझे ये सिखाया गया है, ये मेरे ये मेरे अंदर जो है वो डेटा फीड किया गया और मुझे ये सिखाया गया कि ये डेटा इसके रिलेटेड है उसके बाद वो अपनी ट्यूनिंग करेगा ट्यूनिंग मतलब वो आपका प्रोग्राम जो है वो अपने अंदर क्रिएट कर देगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या है वो अपने अंदर एक प्रोग्राम को क्रिएट कर लेगा कि वेन एवर आई सॉ दिस वन पिक्चर आई हैव टू आइडेंटिफाई दीज बेसिक थिंग्स फ्रॉम दैट पिक्चर ओके वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा और उसके बाद प्रडिक्शन करेगा वो प्रोडिक्ट करेगा कि हाँ अगर आप फ्यूचर में उसको कभी भी अगर आपने आज उसको कुछ सिखाया है और 10 साल बाद आप उससे पूछ रहे हो कि ये ये चीज मैंने आपको सिखाई थी बताओ तो वो क्विकली आपको आंसर करेगा ओके okay? उसको बोलते हैं प्रोडिक्शन वो प्रोडिक्शन कर सकता है वो देखेगा कि हाँ आपने दस साल पहले ये बताया था उसमें चेंजेस अगर वही पिक्चर आप उसको सेम दस साल बाद दिखाओगे तो वो बोलेगा कि हाँ इसमें ये ये चेंजेस हो चुके होंगे क्योंकि अभी इतना टाइम जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है मतलब वो अपने आप उसमें एज कैलकुलेशन कर लेगा अपने आप उसमें प्रडिक्ट कर लेगा कि हाँ इस टाइम पे आपने मुझे ये डेटा दिया था उस टाइम पे ये पिक्चर ऐसी दिखती थी तो दैट इज वाई अभी जो पिक्चर होगी उसमें चेंजेस होंगे अगर वो अगर किसी इंसान की फोटो है जैसे सपोज करो कि एक छोटा बच्चा है उसकी फोटो दिखाई थी एंड टेन ईयर बाद आप आप उसकी उसकी जो जो फोटो आप वो वो उसको उसको दिखा रहे हो तो ही कैन आइडेंटिफाई दैट पिक्चर बता देगा कि हाँ, आपने मुझे दस साल पहले ये बच्चे का नाम बताया था उसका नाम था रवि और टेन साल बाद भी टेन ईयर बाद भी आप वही जो नाम मुझे बता रहे हो उसका नाम वही है रवि है ओके ही कैन प्रोडिक्ट फ्रॉम द फेस रिकोगशन वो प्रोडिक्ट कर पाएगा मशीन जो है वो प्रोडिक्शन कर पाएगी खुद से ओके okay? सो so, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एलगोरिदम्स हैं आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिए दैट वन इज सुपरवाइज लर्निंग दैट वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग अभी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोदम्स है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि वट आर द टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एंड वट इज अनसुपरवाइज लर्निंग ओके एंड री इनफोर्समेंट आप हम बाद में डिस्कस करेंगे री इट ओके अभी हम सीखते हैं जो अपना मशीन लर्निंग के जो केस है वो कहां पे यूज होते हैं सबसे पहले क्या है एनर्जी फीडबैक एंड यूटिलिटीज मतलब पावर यूजर्स अपने आप से पावर यूज आइडेंटिफाई करेंगे मैं वन बाय वन सभी को नहीं एक्सप्लेन करूंगा बट एक पॉइंट्स हर पॉइंट से एक्सप्लेन कर देता हूं सो एनर्जी यूज एनाटिक्स मतलब क्या है कि अगर आपके हाउस होल्ड आज विंटर है विंटर है समझ लीजिए आप इमेजिन कर लीजिए कि आज जो है आज का विंटर का डे ओके okay? और आपकी एनर्जी कंजन जो है घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इतने वन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड जितना भी आ रहा है ओके okay? पर उसके डिमांड जो है वो समझ में इंक्रीज हो जाएगी तो वो अपने आप प्रिडिक्शन कर पाएगी आपकी मशीन लर्निंग आप उसको सिखा दिया कि हाँ ये मेरा जो कॉस्ट है और ऐसे ऐसे करके अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो ऐसे होता है समर का सीजन होगा तो ऐसे होगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ समर्स में आपके अपलायसेज की इतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना इंक्रीज हो जाएगा तो दैट्स हाउ द एनर्जी स्टॉक यूटिलिटीज वर्क ओके नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज इसका मतलब है अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में पता है तो शेयर मार्केट में रिस्क एनालिटिक्स आपकी रेगुलेशन जो होती है ऐसे एक आते आते हैं, हैं, हैं जो आपको बताते हैं कि अगर आज किसी का प्राइस इतना है, तो साल या दो साल बाद उसका अगर रेशो, रेशो इतना है तो वो कैसे increase होगा, okay? अगर आपको शेयर मार्केट का पता है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे उसके नेक्स्ट बात है ट्रैवल एंड हॉस्पिटलि यहाँ पे आता है एयरक्राफ्ट शेड्यूलिंग कि कौन सा एयरक्राफ्ट कितने टाइम पे लैंड करेगा कौन सा एयरक्राफ्ट कितने टाइम पे जो है वो जो अपना जो है वो टेक ऑफ लेगा ओके okay, तो आपको वहां पे ट्रैफिक पैटर्न को रिकोग्निशन मिलेगा एक सॉफ्टवेयर काम करता रहता है पूरी दुनिया में जो बताता है कि कौन सा एयरप्लेन जो है कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है उसकी लोकेशन को पर्टिकुलरली लोकेशन को आइडेंटिफाई करता रहता है अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट connect, कनेक्शन उसका टूट भी जाए तो उसका प्रॉपर ट्रांजेक्ट्री उसको फाइंड आउट करने जैसे यहाँ पे कोई एयरप्लेन जा रहा है और यहाँ पे उसका कुछ सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया है तो फिर भी उसको वो ट्रेस करता रहेगा कि हाँ ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो यहाँ पे ही मूव हो रहा है ओके okay? उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो कितनी स्पीड से चल रहा था वो वो कहां तक जा सकता है सो इन दैट केस ट्रेवल हॉस्पिटल ओके नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आपका मेंटेनेंस प्रेडिक्टिव ये सारी कंडीशंस को डिमांड फोरकास्टिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन मतलब कितनी हमारी डिमांड है तो कितने हमें जो मैनुफेक्चरिंग करनी चाहिए ये सारी आपकी मशीन सोचेंगी कि हाँ अगर हमारी डिमांड इतनी पर कैपिटा है तो हमें कितनी प्रोसेसिंग करनी चाहिए या कितने टाइम के लिए हमें वो चीजें बनानी चाहिए ओके या कितनी स्पीड में बनानी चाहिए वो चीजें उसके बाद है रिटेल यहाँ पे इन्वेंट्री प्लानिंग क्या जैसे आप जनरल स्टोर चलाते हो तो आपकी इन्वेंट्री में अगर अगर आपने मशीन लर्निंग का कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है तो वो अगर आपकी इन्वेंट्री में ऑलरेडी कुछ कम हो जाएगा जैसे आपकी वेबसाइट है ऑनलाइन वेबसाइट एमेजोन लाइक दैट ओके तो उसमें अगर जो स्टॉक है वो कम होता है तो वो आपको शो करता है कि हाँ ओनली वन लेफ्ट ओनली टू लेफ्ट ओनली फाइव लेफ्ट तो ऐसे आपका मशीन लर्निंग जो है वो अपडेट करता रहता है जब भी आपने ऑर्डर किया एक उसमें से कम हो जाएगा अभी वो नेक्स्ट प्रोडिक्शन भी करता है कि वो स्टॉक जो है वो कब तक अवेलेबल हो सकता है अभी पे क्या होता है कि आपको डायग्नोस्टिक कोई प्रॉब्लम आती है सपोज कीजिए कि, कि आपके घर में एक मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है सेंसर इंस्टॉल्ड है आपकी बॉडी को उसने स्कैन किया और आपकी बॉडी में कुछ उसको अजीब से सिम्टम्स लगे आपके रेड ब्लड व्हाइट ब्लड सेल में कुछ अजीब से सिम्टम्स उसको दिखे तो वो आपको अलर्ट महसूस करेगा कि हाँ आपकी मेरी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो आपकी बॉडी में ऐसा कुछ थेप जो है वो नहीं होना चाहिए तो आपको डॉक्टर के साथ विजिट करना चाहिए ताकि आपको आपकी बॉडी की डायग्नोसिस के बारे में पता चल सके ओके हेल्थ मैनेजमेंट ये प्रिडिक्ट प्रिडिक कर सकता है आई होप यू गॉट माई पॉइंट बटा सो नेक्स्ट वन इज अबाउट द चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मशीन लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस क्या है इजिली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न मतलब आपने उसमें एक डेटा को फीड किया और आप वो अपने आप से उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपने मुझे ट्रेनिंग जो दी है मैंने उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम बनाया और उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेंड्स एंड पैटर्न को रिकोगनाइज कर सकता हूँ उसके बाद यहाँ पे न्यू ह्यूमन इंटरवेंशन ये प्रॉपरली ट्रू नहीं है आधा ट्रू है क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन जो होती है जब मशीन तैयार हो जाती है ना मशीन लर्निंग तैयार हो जाती है तो देन देर विल बी नो ह्यूमन नीड मशीन ह्यूमन को कब जरूरत है जब एक मशीन को वो रेडी कर रहा है उसको सिखा रहा है कि ये वाला चीज ऐसी है ये वाली चीज ऐसी है ओके okay, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है जैसे मैंने आपको बताया टेन ईयर की एग्जांपल देखे कि अगर आपने टेन ईयर पहले उसको कोई फोटो दिखाई है तो टेन ईयर बाद आप कोई बच्चे की फोटो दिखा रहे हो तो उसके फेस रिकॉग्निशन में जो चेंजेस आए हैं वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ ये वही बच्चा है जिसकी फोटो आपने दस साल पहले मुझे दिखाई थी एंड आई कैन आइडेंटिफाई दैट थिंग ओके वो पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकता है उसके बाद हैंडलिंग मल्टी डिमेंशनल मल्टी वराइटी ऑफ डेटा बहुत सारे डेटा को हैंडल कर लेता है जस्ट नॉट ए पिक्चर्स बहुत सारा स्टॉक मार्केट के डेटा को एनालाइज कर सकता है बहुत सारी प्रोडिक्शंस कर सकता है फ्यूचर के लिए जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है वो भी इसकी आपकी जो है वो मशीन लर्निंग के थ्रू हो जाती है ओके वेदर फोरकास्टिंग की हाँ रेन आएगी या नहीं आएगी या इतने डे को वो सनी होगा या नहीं होगा दैट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके सो डिसएडवांटेजेस क्या है हाई एरर सबिलिटी मतलब क्या है अगर आपने मशीन को गलत सिखा दिया तो वो उसी को अपना प्रोग्राम मानेगा और वो गलत चीजें ही करता जाएगा ओके तो डेटा डेटा मतलब इसमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है आप उसको सिखा रहे हो आप उसको ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये पहले जो है वहां पे आपका टाइम कंजम्पशन जाएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट वही है कि टाइम्स एंड रिसोर्सिस ऑल्सो कंजम्पशन ओके सो दैट्स हाउस देर आर द डिस ऑफ पर्टिकुलर स्किल्स ओके सो नेक्स्ट वन बेटा एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज होती है मेडिकल में आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन में मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आपके और चैटबोर्ड्स होते हैं जब आप बात करते हो जैसे सीरी है गूगल का जैसे आप बोल सकते हो गूगल है, है गूगल तो वहाँ पे आप बात करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज को रिकग्नाइज करता है ओके okay? तो दैट इज हाउ मशीन लर्निंग इज वर्ड ओके okay, जैसे आपका थम प्रिंट होता है जो आपका लॉक होता है ना स्मार्टफोन में तो पहले क्या होता है आपने उसको ट्रेनिंग देनी है ट्रेनिंग कैसे आप देखो? अपना प्रिंट उसको पब्लिश करके आप उसमें अपना थम प्रिंट को सेव कर लेते हो कि हाँ यही थम प्रिंट से ये फोन जो है वो अनलॉक होगा अगर कोई और थम प्रिंट यूज होगा तो दैट फोन विल नॉट बी अनलॉकड ओके सो दैट्स हाउ मशीन इज लर्न फ्रॉम योर थम प्रिंट बिकॉज यू हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन ओके, okay? so आप image को मैंने ऑलरेडी बता दी इमेज रिकॉन्शन करता है traffic prediction करता है है कि कितने पे, पे होता है या नहीं। जैसे गूगल मैप अगर आप किसी लार्जस्ट सिटीज में जाओगे ना तो गूगल मैप आपको कॉन्टिन्यूसली आपको शो करता रहता है कि हाँ दिस टाइम पे ट्रैफिक पीक पे होगा या दिस टाइम पे आप अगर ये रूट लोगे तो आपका जो ट्रैफिक है वो कम होगा अगर ये रूट लोगे तो ट्रैफिक जो है वो ज्यादा मिलेगा आपको ओके एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी बताता है सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला जो अमेरिका में टेस्ला कंपनी है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपकी ऑलरेडी बना चुकी है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है बट जो मशीन लर्निंग बेस्ड होता है वहां पे आपका इतना एफिशिएंटली सेल्फ ड्राइविंग कार काम नहीं करती प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो आपको अमेजोन पे जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आती है ना सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट है मशीन लर्निंग मतलब उसका चाइल्ड है मशीन लर्निंग तो अगर आपको मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दिए हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको वही दिखाई देता है जो आप वहां पे सर्च करते हो तो उसका मतलब यही है कि उसके अंदर मशीन लर्निंग के थ्रू वो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मशीन लर्निंग उसका ही एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओके वर्चुअल पर्सन असिस्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया वीपीए होता है कि आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए जैसे अगर आपका फोन पे स्पीच है आपकी तो आप अगर उसको बोलोगे कि हाँ से रिप्ले दिस वन सॉन्ग तो आपका फोन स्मार्टफोन ऑलरेडी वो सॉन्ग को प्ले कर देगा ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन मतलब ये ऑनलाइन आपको फ्रॉड डिटेक्ट करके बता देगा कि हाँ ये वाला कुछ यहाँ पे गलत चीज़ें हैं तो आप इससे दूर रहिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ई मेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग आपके ई e मेल जो है वो अपने आप स्पैम को आइडेंटिफाई करता है अगर कोई आ, कोई वेबसाइट या कोई इंसान आपको बार 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 एक ही टाइप के ईमेल्स e भेज रहा है तो आपका ईमेल e अपने आप से आइडेंटिफाई करेगा और वो ईमेल्स e आपको शो नहीं करेगा इनबॉक्स में शो नहीं करेगा बट के आपके स्पैम में उसको डाल देगा ऑटोमेटिकली

ठीक है ये हम दो लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे री को अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले इन दोनों पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा कि मशीन लर्निंग सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज कैसे होती है एंड री के बारे में यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इसका थोड़ा कंपेरिजन करके बताना है ओके okay, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मेक्स मशीन लर्न मतलब सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है explicitly मतलब इसको इसको ट्रेनिंग चाहिए चाहिए डेटा दैट्स हाउ द द सुपरवाइज लर्निंग विल वर्क ओके एंड मशीन अंडरस्टैंड डेटा आइडेंटिफाई पैटर्न एंड स्ट्रक्चर इन अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या है यहां पर सिर्फ आप उसको डेटा दे रहे हो कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो वो उसी डेटा को ढूंढ के उसमें से रिजल्ट निकाल के आपको दे रहा है आप उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे नेक्स्ट इज एन अप्रोच टू ए आई मतलब ये जो री एनफोर्समेंट है ये एक अप्रोच है एक तरह की अप्रोच है है ये टाइप नहीं मशीन लर्निंग की ये एक तरह की अप्रोच है टू ए आई अगर आप ए आई अचीव करना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव करना चाहते हो तो आपको री इन्फोर्समेंट लर्निंग को सीखना पड़ेगा ओके नेक्स्ट इज विद डेटा विद क्लैरिटी डिफाइंड आउटपुट इज गेवन मतलब क्या है कि आप इसमें क्या करते हो आप डेटा भी दे रहे हो आप उसको आउटपुट भी दे रहे हो कि हाँ ऐसे कुछ देखते हो और अब वो प्रोग्राम डिजाइन करेगा

आउटकम फ्यूचर्स प्रडिक्ट कर सकता है डज नॉट एनी फ्यूचर्स एंड आउटकम्स सुपरवाइज लर्निंग है वो फ्यूचर्स प्रडिक नहीं कर सकता फ्यूचर में वो कैसा दिखेगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बट उसके पास जो डेटा है उसी में से वो रिजल्ट दे सकता है बिना आपके कमांड के दिए मतलब बिना आपसे ट्रेनिंग लिए ओके बट सुपरवाइज लर्निंग में वो आपसे uh, ट्रेनिंग लेता है एंड देन उसके बाद वो क्या करता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है मतलब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी टेन ईयर वाली ओके सो ज्यादा सिंपल टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स होंड री एनफोर्समेंट में बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का होता है मैक्सिमम रिवार्ड होते हैं यहाँ पे आप, आप, आप एक्ट कर सकते हो सो दैट नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू अभी टिल नाउ ओके नेक्स्ट इज बेटा सुपरवाइज लर्निंग की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है विद डायग्राम अगर आप इजिली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये डायग्राम को समझ लीजिए सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है ये आपका इनपुट डेटा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है और यहाँ पे आप एक सुपरवाइजर बैठे हो आप बैठे हो आपने मशीन को बताया ये वाला डेटा को फेच करो उसने फेच किया उसको आपने बता दिया कि ये सारे ये अलग से कलर है ये अलग वाला कलर है ये ये एक रेक्टेंगुलर शेप है ये एक ट्राइंगल है एक सर्कल है तो आपने इसको बता दिया कि हाँ तीन शेप्स हैं एक ट्राइंगल है एक सर्कल है और एक आप बता सकते हो रेक्टेंगुलर है और उसने अपने आप से एक एल्गोरिदम क्रिएट किया कैसे ने क्रिएट किया मशीन ने क्रिएट किया उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और देन उसके उसने आपके सारे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको आउटपुट शो कर दी कि ये सारे आपकी ट्राइंगल्स आ गए ये आपके सारे सर्कल शेप्स आ गए और ये आपके सारे रेक्टेंगुलर शेप्स आ गए ओके सो दैट्स हाउ द सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज वर्कड ओके चाहिए ओके सुपरवाइजर जो उसको बताएगा कि हाँ ये वाला डेटा हमें चाहिए नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एडवांटेजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यू आर रेडी टू डिमाइन अमाउंट ऑफ क्लासेज वुड यू लाइक टू प्रोजेस मतलब आप कितनी उसमें डेटा को फीड कर रहे हो आपको उसको बताना पड़ेगा ठीक है इट अलाउ टू बी अ वेरी स्पेसिफिक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लेबल्स आपने उसको पहले से ही बता दिया कि ये वाला डेटा है उसको खुद से प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है तो दैट मच मोर बी विल स्पेसिफिक ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा ओके तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि आपके सेट कौन से डिसीजन बाउंड्री कौन सी है ओके सो तो इसको एक बार आप पढ़ लेना नेक्स्ट वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है अनसुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे हम बात कर रहे थे वही सेम एग्जाम्पल मैंने लिए कि यहाँ पे आपके पास है 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 इनपुट इनपुट डेटा डेटा वही सेम तरह का सर्कल है और है ट्राइंगल रेक्टेंगुल एंड यहाँ पे कोई भी आपका सुपरवाइजर नहीं बैठा हुआ है बस आपने कोई ट्रेनिंग नहीं उसको दी है अब जस्ट आपने कुछ भी आपने उसको डेटा फीड कर दिया है आपने उसमें ये डेटा फीड कर दिया है उसने वो डेटा को इंटरप्रेट कर लिया है कि हाँ ये सारा डेटा है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आ चुका है उसके बाद उसने खुद से उसको अलग करना शुरू कर दिया कि ये रेक्टेंगुलर वाली शेप है ये कुछ आपके ऐसी शेप्स आ जाएंगी और अलग से ऐसी शेप्स आ जाएंगी ठीक है तो उसने वो क्या किया उसका आपका जो डेटा है उसने खुद से प्रिडिक कर दिया कि ये रेक्टेंगुलर है उसके बाद आपकी ऐसी कुछ शेप्स आ रही हैं तो ये सारी उसने खुद से प्रिडिक्शन कर ली है किसने अनसुपरवाइज लर्निंग जो मशीन लर्निंग की टाइप है ना वहां पे खुद से प्रिडिक्शन कर लिया और खुद से उसने एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया उसी एल्गोरिदम को उसने बाद में प्रोसेस करना शुरू कर दिया है प्रोसेस करना शुरू कर दिया है तो अभी उसने क्या आउटपुट आपके निकाल दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से खुद से यहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं चाहिए यहाँ पे सिर्फ आपकी प्रॉब्लम उसने खुद से ही सॉल्व कर दी है उसके बाद सिर्फ डेटा है और कुछ नहीं है खुद से उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये ये एक जो रेक्टेंगुलर शेप है ये इस शेप से अलग है तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आपका करती हैं यहाँ पे ओके okay? तो अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल वो तीसरी शेप से अलग है तो वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है तो उसने अलग खुद से ही उसको कर दिया तो ऐसे आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग काम करती है ओके सो नेक्स्ट वन वी हैव ऑल्सो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डीप लर्निंग वट इज अ डीप लर्निंग

So, आप अगर बात कर रहे हो सबसे पहले आता है आपका ए आई ओके सबसे पहले आपकी आती है बेटा ए आई ये आपका आ गया ए आई ओके उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो मशीन लर्निंग एम एल मशीन लर्निंग उसके बाद थर्ड वन जो पॉइंट होता है वो है डी पी मतलब डी एल सॉरी डीएल मतलब डीप लर्निंग तो ऐसे आपके काम करते हैं ये तीनों ज्यादा काम करते हैं तो ए आई का पार्ट कौन सा है ए आई का जो पार्ट है वो सबसे पहले क्या है आई सबसे बड़ा है उसके बाद उसका जो चाइल्ड है वो मशीन लर्निंग है उसके बाद मशीन लर्निंग के अंदर कौन आता है डीप लर्निंग ये सारे उसके पार्ट्स आते हैं ओके सो नेक्स्ट वन वी हैव अबाउट द डीप लर्निंग क्या होता है सबसे पहले डीप लर्निंग क्या है यहाँ पे एक पार्ट है मशीन लर्निंग का जहां पे आप बात करते हो इफेक्टिव लर्निंग की पैटर्न लर्निंग की कि आप पैटर्न को कैसे रिकोगनाइज कर सकते हो आप खुद से अभी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि वट इज डीप लर्निंग एंड वट इज मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग में आप खुद से उसको डेटा देते हो आप उसको खुद से बोल रहे हो ये डेटा लो और यहाँ पे ये कुछ रिजल्ट होंगे मैंने आपको बता दिया आउटपुट पहले उसको बता दिया पर डीप लर्निंग में वो खुद से रिप्रेजेंटेशंस करता है खुद से इफेक्टिवली उसको लर्न करता है पैटर्न को एंड आपको रिजल्ट देता है यहाँ पे वो आपने उसको डेटा नहीं दिया आपने उसको कमांड नहीं दी वो खुद से सब कुछ कर रहा है डीप लर्निंग में यूटिलाइज लर्निंग एलगोरिजन दैट ड्राइव मीनिंग आउट ऑफ डेटा बाय यूजिंग हिरारकी और मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे हिरार यूज़ होता है एंड मल्टीपल लेयर्स यूज होती हैं आपका न्यूरल नेटवर्क जो है चैप्टर नंबर सिक्स में आता है तो वो आपको अंडरस्टैंड वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि न्यूरल नेटवर्कस होते हैं क्या है तो वो कैसे काम करते हैं डीप लर्निंग में ओके तो डीप लर्निंग बेसिकली बेस्ड ऑन द लेअर्स मल्टीपल लेयर्स वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन लिए जाते हैं जैसे सपोज़ कीजिए कि, कि अगर आपने मार्केट जाना है सपोज कीजिए आपने मार्केट जाना और आपके पास तीन तरह के तरीके मार्केट जाने के लिए आप बाय फुट फुट चले जाओ ओके ओके फर्स्ट वे वे कि आपके पास है मोटरसाइकिल और बाइक और आप बाइक लेके चले जाओ और थर्ड वे है आपके पास कि आप कार में चले जाओ ये तीनों तरीके हैं आपके पास और उसमें तीनों में से बेस्ट सूटेबल तरीका कौन सा है आपके लिए तीनों में से अच्छा

उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो डीप लर्निंग क्या आपको सजेस्ट आप में ट्रैफिक मोटरसाइकिल बाइक पे अगर ट्रैफिक कम है तो वो आपको बोलेगा कि हाँ प्लीज आप बाइक ले जाओ और अगर रेनी सीजन है बहुत ज्यादा रेन आ रही है ठीक है तो आप जाना चाहते हो तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपनी कार लेके चले जाओ ऐसे मैंने आपको जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल दिए इसमें बहुत कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम होती हैं जो आपको सॉल्व करनी होती हैलगोम इंस्पायर्ड बाय ब्रेन स्ट्रक्चर ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क वो हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे एंड फंक्शन नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं अ कंप्यूटर मॉडल कैन बी यूजिंग डीप लर्निंग टू रन क्लासिफिकेशन एक्शन यूजिंग पिक्चर टेक्स्ट एंड साउंड एज इनपुट हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे मशीन लर्निंग में क्या होता है हम डेटा को सिखाते हैं उसको हम डेटा देते हैं और उसको सिखाते हैं कि प्लीज ये आप डेटा को आइडेंटिफाई करो और इस डेटा की अगर आपने फ्यूचर में कोई चीज देखी है तो आप उसको खुद से आइडेंटिफाई करोगे कि ये कैट है ये डॉग है और ये कार है ओके अभी यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं डीप लर्निंग में आपने जस्ट एक मशीन को दिखाया कि ये है आपने नहीं दिखाया उसने खुद से देखा कि ये एक एक तरह का कुछ इनपुट है मेरे के लिए उसने खुद से उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन कर लिए खुद से उसकी क्लासिफिकेशन कर लिया जैसे इसके अगर फोर टायर्स हैं तो ये कौन से वाहकल की कैटेगरी में आएगा अगर इसके टू विंडोज हैं तो ये कौन से वाहकल की कैटेगरी में आएगा ओके उसका इंजन है उसकी हेडलाइट कैसी है ये सारा उसका क्लासिफिकेशन करेगा और देन डिसीजन लेगा कि ये एक, एक कार है या नहीं है ओके बेटा ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को डीप लर्निंग इज बेस्ड ओनली ऑन इनपुट नॉट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट और आउटपुट गिवन टू अ डीप लर्निंग यहां पे सिर्फ इनपुट होती है वो खुद से उसको आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे इसके क्या फीचर्स हैं जो मुझे इनपुट मिली है जैसे अगर कैट की फोटो आपने दिखा दी आपने कैट की फोटो दिखाई आपने उसको को बोला कि हाँ आप आइडेंटिफाई करो तो उसने उसकी आइज खुद से आइडेंटिफाई करी हाँ ये आइज हैं ये ऐसे दिखती हैं ओके उसका नोज ऐसे दिखता है उसके ईयर्स ऐसे दिखते हैं उसने खुद से उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन की है आपने उसको कुछ दिखाया नहीं है आपने उसको कुछ फेड नहीं किया आपने कोई डेटा नहीं उसमें फीड किया जस्ट उसने आपकी जो आपने उसको बोला कि हाँ आप उसको देखो उसने बस देख लिया है अपने आप से देखा है फीचर खुद से उसने किए कि इसके ये वाले फीचर्स हैं इसका या नहीं है okay? अगर कैट की फोटो ये, तो वो उसके बाद सारा कुछ क्लासिफिकेशन करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि तो वो एक कैट है कि नहीं है अगर उसके क्लासिफिकेशन कैट से नहीं मिलते होंगे तो वो बोल देगा नो दिस इज नॉट अ कैट ओके okay? अगर क्लासिफिकेशन उसकी कैट से मिलती होंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको बोल है, नहीं है आई होप यू गॉट माई पॉइंट अबाउट द डीप लर्निंग ओके अभी यहाँ पे आप क्या करते हो स्पीच में जैसे अगर आपने अपने स्मार्टफोन में एक पासवर्ड डाला है आपकी ही स्पीच जो है वो रिकोगनाइज करे तो वो सिर्फ आपकी ही स्पीच को रिकग्नाइज करेगा नेक्स्ट कंप्यूटर कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि अगर हमने सेंटेंस को कुछ गलत बोला तो वो ऑटो करेक्ट करके वो खुद से हमारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेगा जो ऐसे सीरी होता है और गूगल है होता है ओके नेक्स्ट वन डीप लर्निंग बेसिक्स अभी यहाँ पे मैंने जो आपको पहले समझाया ना वही चीज़ है वो खुद से उसकी फोटो देखी उसने फीचर्स उसके एक्सट्रैक्ट कर लिए कि हाँ हाँ ये सारे उसके पैटर्न है इसका फेस ऐसे दिखता है उसकी हिरारकी ऐसे है और उसका ऐसे है और उसके बाद उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस वन इज अ कैट दिस मस वर्किंग ऑन द बेसिकली डीप लानिंग यहाँ पे हिर आर्की ऑफ होती हैं न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ओके okay? सो so, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे ये फेस रिकग्निशन खुद से कर रहा है इसने डिट डिफरेंट फेस रिकोग्निशन एडजस्ट फाइंड कर लिए नोज आइज की फाइन कर लिए उसके बाद फेसेस को फाइन कर लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस क्या है एंड उसके बाद उसने जो इमेजेस है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये वाला अलग है ये वाला अलग है ये वाला अलग है ओके यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं ये हम नेक्स्ट में पढ़ने हैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ मैं क्यों कहाँ पे क्या चीज हो रही है तो एग्जांपल्स आप देख पा रहे हो कि एप्लीकेशन क्या है इमेज रिकॉग्निशन सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगर आपने सेंटेंस कुछ गलत बोल दिया तो उसका सही से मीनिंग को प्रिडिक्ट कर लेता है खुद से कौन मशीन लर्निंग आप डीप लर्निंग उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है ड्रग डिस्कवरी बेटर करता है डायग्नोस करता है आपकी हेल्थ को खुद से डायग्नोस करना शुरू कर देता है आपको रेकमेंड करता है कि ये मेडिसिन लो आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छी है अगर आपको कोई बीमारी है जैसे आप शुगर के पेशेंट हो तो वो आपको बोलेगा कि हाँ आपकी बॉडी में इंसुलिन की जो कैपेसिटी है वो कम है तो प्लीज मेक सम इंसुल्यूशन स्पीच रिकोगशन आपकी ही वॉइस को आइडेंटिफाई करेगा और किसी वॉइस को आइडेंटिफाई नहीं करेगा अगर आपने स्मार्टफोन पे अपना ऐसा कुछ पैटर्न लगाया है जो आपकी ही वॉइस को रिकॉगनाइज करे उसके बाद रोबोट्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स ये खुद से आएंगे कि जो रोबोट्स आपकी ड्राइविंग को कार को ड्राइव करेंगे एंड खुद से बहुत जो क्वाश होती है जो आपकी बहुत लीनियंट होता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से आपकी काश uh, को ड्राइव करेंगे ओके सो दैट्स होली डिपेंड्स अपॉन द एग्जांपल्स यहाँ पे आप बात कर रहे हो और यहाँ पे डीप लर्निंग के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और बाकी जो होती हैं जो मशीन मशीन लर्निंग होती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, है उससे उस आपको ये रिजल्ट मिलते हैं परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट जो है आपको डीप लर्निंग में मिलता है ओके okay, तो ये कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस है यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज्यादा अगर डेटा होगा तो मशीन कम्प्लेक्स हो जाएगी उसको स्टैटिस्टिकली इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ये सारी लिमिटेशंस है ओके okay? और ये प्लीज आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से पढ़ सकते हो इसके डिटेल में ये सारा कुछ दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सिस मशीन लर्निंग वर्सेज डीप लर्निंग ये तीनों आपके सबसेट है आप इसको स्क्रीन लेके आप खुद से पढ़ सकते हैं डीप लर्निंग में ऐसा होता है ओके okay? So that's wholly depends upon your machine learning, AI technology and deep learning. I hope you got about this uh, topics. Okay. So thank you. Thank you for today.